नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। पाकिस्तान के इन दिनों हालात कैसे हैं ये बात अब किसी से छिपी नहीं है। आर्थिक तंगी की मार झेल रहे पाकिस्तान से इन दिनों कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो रहा है जिससे वो अपनी मुश्किलें खुद ही और बढ़ाता जा रहा है। यानी कि सरल शब्दों में कहे तो वो अपने पैरों कुल्हाड़ी मारने वाली कहावत को खुद ही सच करता नजर आ रहा है। वही पाकिस्तान एक बार फिर बुरा फंसा है। अब आप सोच रहे होंगे भला पाकिस्तान ने अब ऐसा क्या कर दिया, तो चलिए आपको विस्तार से बताती है। दरअसल जहां एक तरफ आटे दाल को तरस रहे पाकिस्तान में अभी हालात ठीक से सुधरे भी नहीं थे कि अब उसने अपने करीबी दोस्त चीन की दुखती रख पर हाथ रख दिया है, मुश्किलों में डाल लिया है। हालांकि आर्थिक तंगी में चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन अब पाकिस्तान ने चीन को ही आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की हरकत के बाद चीन भड़क उठा है, जिससे अब पाकिस्तान भारी टेंशन में है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि वो चीन को सफाई दे तो दे कैसे। खैर, इस मसले की शुरुआत होती है तब जब चीन के चेंगदू में पाकिस्तानी महावाणिज्य दूतावास की तरफ से ट्वीट किया गया और इस ट्वीट में उइगर मुसलमानों का मुद्दा उठा दिया, जिसके लिए पूरी दुनिया हमेशा से ही चीन की आलोचना करती आई है। वहीं चेंगदू में स्थित पाकिस्तानी महावाणिज्य दूतावास की तरफ से ट्वीट में कहा गया कि पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय चीनी मदद और बाढ़ पुनर्निर्माण में सपोर्ट के लिए चीन का शुक्रगुजार है। हम उइगर समुदाय के अधिकारों और स्वतंत्रता सहित आपसी हितों के मामलों पर मिलकर काम करेंगे। हालांकि पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने इस पर सफाई भी दी है। उनका ट्विटर अकाउंट हैक हो गया, ऐसा बयान विदेश मंत्रालय की ओर से आया है। उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया है। ये ट्वीट पाकिस्तान के आधिकारिक रूप को नहीं दिखाता। बहरहाल दावा ये है कि चीन ने बड़ी संख्या में उइगर मुसलमानों को कैद करके रखा है। उनको दाढ़ी तक नहीं रखने दी जाती, इसी के साथ उन्हें नमाज तक नहीं पढ़ने दिया जाता। इसके अलावा उनकी मस्जिदों को भी तोड़ा जा रहा है। उइगर मुसलमानों को सख्त निगरानी में रखा जाता है। हालांकि चीन इन दावों को खारिज करता आ रहा है, लेकिन कई रिपोर्ट में चीन के अत्याचार का खुलासा हो गया है। अब पाकिस्तान के इस ट्वीट पर चीन की तरफ से क्या प्रतिक्रिया होगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप इस खबर पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देंगे, ये हमें जरूर बताइएगा। इस खबर में इतना ही। तमाम इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।